हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुजल और आज मैं आपको ये छोटी सी सुंदर प्यारी प्यारी तितलियाँ बनाना सिखाने जा रहा हूँ। और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इस आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि तितलियाँ कैसे बनानी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है एक स्क्वायर शीट। तो अब इस पे आपको कुछ निशान लगाने हैं। मेरे को देखिए, पहले तो आप इसको डायगोनल में मोड़ दीजिए और उसकी क्रीज आप सेट कर लीजिए। अब इसको खोल लीजिए। अब एक निशान हो गया, अब इसको इधर मोड़ना है ऐसे। और फिर अब इसकी भी आपको क्रीज लगानी है ये। अब इसको आधा मोड़ दीजिए जैसे कि ये यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसकी आप क्रीज लगा लो, इसको खोल लो। अब इसको इस साइड को इस साइड तक मिलाना है वो ऐसे करके, और ये आप खोल लो। अब आप दोस्तों देख सकते हैं एक ये ऐसे प्लस बन चुका है, एक ये क्रॉस बन चुका है। तो आगे क्या करना है वो आप देखते जाइए। अब जो आपको करना है वो एक तो यहाँ से इसको पकड़िए और फिर एक जो है वो यहाँ से इसको पकड़िए। अब ये आपके पास ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अब जो यहाँ पे है ये चीज़, इसको यहाँ से आपको नीचे दबाना है। हाँ दोस्तों, अब ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये ऐसा बनेगा। और इसके बाद आपको किसी भी एक साइड, चाहे इधर चाहे इधर, किसी भी साइड मोड़ दीजिए। इसको ऐसे मोड़ दिया और आपको कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रही हमारी कैंची। अब इस कैंची से हमें इसको शेप देनी होगी। वो कैसे देनी है वो आप देखते जाइए। इसके इस कोने को मत काट देना। इस कोने को जहाँ पे ये चार चार मिले आपको, इस कोने को आप किसी भी शेप में दे सकते हैं। मैं एक डिसेंट मतलब अच्छी सिंपल वाली तितली बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको नॉर्मल शेप में काटूँगा। हाँ दोस्तों, अभी हमारा यहाँ से गोल एकदम कट चुका है। अब इसको आप बीच में से खोल लीजिएगा। और जैसे आप एरोप्लेन बनाने के लिए करते हैं ना, वैसे ही इसको भी यहाँ से करना है। ये देखिए, ये हमने कर दिया और ये हमने इधर से भी कर दिया। हाँ दोस्तों, तो अभी हमारा दोनों साइड से हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये इस तितली की तरह थोड़ा थोड़ा आकार लेने लगा है। तो अब हम इसको यहाँ से उल्टा कर देंगे। हाँ, उल्टा कर लिया। अब इसको पकड़ के पूरा इधर कर देंगे, इधर हो गया। और यहाँ से हम इसकी क्रीज सेट कर देंगे। अब जब ये इतना हो चुका है तो अब आप सीधा करके देख सकते हैं। और फिर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा उसको अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये हमने मोड़ दिया। अभी आपको कुछ कुछ तितली जैसी लग रही होगी, लेकिन अभी अच्छी तरीके से बनी नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब सिर्फ एक स्टेप आपको जो करना है वो है इसको बीच में यूँ मोड़ देना। और दोस्तों ये ध्यान से करिएगा, कहीं आपकी तितली फट ना जाए बीच में से। हाँ तो दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं ये कितनी प्यारी तितली बनी है। और इस तितली को आप किसी भी बोर्ड डेकोरेशन या अगर आपके स्कूल में हाउस कंपटीशन होता है तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख, और अब आप देख सकते हैं ये तितलियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।